आप देख रहे हैं जेजीडी टेक्निकल। तो हमारे 300 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, उसके लिए यार आपको दिल से, यार दिल से ऐसे सब्सक्राइब करते रहो चैनल को। और जब हमारे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो आपके लिए मैं एक गिव अवे रखूंगा। गिव अवे शायद फोन का हो, लैपटॉप का हो, किसी का भी गिव अवे हो तो आपको वो गिव अवे मिलेगा जिसका विनर कोई होगा एक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि आप व्हाट्सएप पे अगर आपने किसी को मैसेज भेजा है और वो मैसेज आपको डिलीट करना है, डिलीट करने का मतलब ये नहीं कि ओनली आपकी तरफ से वो डिलीट हो गया, डिलीट का मतलब ये कि वो दोनों तरफ से डिलीट हो जाए और अगले ने सीन किया हो या नहीं किया हो वो आगे से डिलीट हो सकता है। बस आपको करना कुछ नहीं, आपको गूगल प्ले स्टोर का बीटा टेस्टर बनना है। ये फीचर जो आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए ये फीचर्स पहले ही था कि आप दोनों तरफ से मैसेज डिलीट कर सकते हैं, मगर जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं उनके पास ये फीचर नहीं था कि वो दोनों तरफ से, अभी भी नहीं है ये फीचर। मगर आपको बीटा टेस्टर, अगर आप बीटा टेस्टर हैं तो आप दोनों तरफ से मैसेज को डिलीट कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, मगर आपको ये नहीं पता कि बीटा टेस्टर कैसे बनना है। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश एमजे और यू आर वॉचिंग जेजे टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आपको बीटा टेस्टर कैसे होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जो लाइक का काला बटन है उसको नीला कर दीजिए। उस पर आपका प्यार चाहिए उस बटन को थोड़ा सा। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं ऐसे वीडियो आपके लिए प्रतिदिन लाता रहूंगा। पहले जाना है, सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको प्ले स्टोर में देखना है कि आपकी कौन सी आईडी लगी हुई है। यहाँ पे तो मेरी लगी हुई है जेजीडी टेक्निकल की आईडी लगी हुई है मेरी। तो मैं अब अपना क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन करूँगा। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है गूगल प्ले बीटा टेस्टर। गूगल प्ले बीटा टेस्टर करने के बाद आपको गो कर देना है। आपको गो करने के बाद आपको जो फर्स्ट रिजल्ट मिलता है उस पर आपको क्लिक करना है। जो फर्स्ट रिजल्ट आपको मिलता है उस पर आपको क्लिक कर देना है। फर्स्ट रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट जाना है क्रोम पे। क्रोम पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो आपकी ये साइट पूरी ओपन हो चुकी है। तो आपको नीचे यहाँ पे यू आर ए टेस्टर से पहले आपको एक दिखेगा, यू टेस्टर से पहले एक बटन दिखेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप टेस्टर बन जाओगे। तो चलिए चलते हैं व्हाट्सएप की ओर और देखते हैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कैसे डिलीट करना है जो आगे भेज चुके हैं आप। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस वक्त अब मैसेज टाइप करूँगा एक और आपको डिलीट करके दिखाऊँगा। तो मैंने एक मैसेज भेज दिया है और मेरे को इसको डिलीट करना है, अगले ने सीन नहीं किया है, अगर सीन के लिए है तो भी। और यहाँ पे आपको डिलीट पे क्लिक करना है। पहले आपके पास ओनली दो ऑप्शन आते थे, डिलीट फॉर मी और एक कैंसिल का ऑप्शन आता था। अब आपके पास तीसरा ऑप्शन और आने लगे, डिलीट फॉर एवरीवन। डिलीट फॉर एवरीवन पे आपको क्लिक कर देना है। डिलीट फॉर एवरीवन पे क्लिक करने के बाद आपका जो ये मैसेज है ये डिलीट हो जाएगा। आपको बीटा टेस्टर बनने के बाद एक बात ध्यान रखनी है कि आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट ज़रूर कर लें। प्ले स्टोर में जाके, प्ले स्टोर में जाना है आपको, माई ऐप्स एंड गेम्स में जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा माई ऐप्स एंड गेम्स, इस पर जाना है आपको। और जो यहाँ पे दिख जाएगा आपको अपडेट का ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ से, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे एक व्हाट्सअप का भी दिख जाएगा व्हाट्सअप को अपडेट करने के लिए। फ़िलहाल मेरा व्हाट्सअप अपडेट है तो यहाँ से आप अपने व्हाट्सअप को अपडेट कर लें। और व्हाट्सअप को अपडेट करने के बाद आप ये सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं।